Good morning, student. I am Devendra Singh Jatta. Today we will discuss the class 3rd EBS chapter 2nd the plant fairy. इस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. मीन्स कुछ आपके प्लांट थिन होते हैं, कुछ थिक होते हैं, कुछ आपके प्लांट टॉल होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं. तो आपके कुछ प्लांट बहुत आपका बड़े होते हैं, कुछ उनका जो साइज़ है वो छोटा होता है. तो आपके अलग अलग प्लांट का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. ऐसे ही हमने लीव्स के बारे में पढ़ा, ठीक है. लीव्स के अलग अलग कलर होता है, साइज़ होता है, मार्जिन होता है. तो आपका जो प्रत्येक प्लांट्स की अलग अलग लीव्स होती है, ओके. तो हर प्लांट अलग अलग तरीके से ग्रो करता है, उसमें अलग अलग फल लगते हैं, अलग अलग फूल आते हैं. तो ये सभी क्या हैं, आपके प्लांट के क्या है क्वालिटीज़ हैं, जो जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स की, हर ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं, ऐसे ही हर प्लांट की क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं. क्लियर. तो हम पढ़ चुके थे, इसमें हमने पढ़ा था, ओके, एक प्लांट फेरी मिस जो पेड़ों के बारे में जानती हैं, उन दीदी के बारे में पढ़ा था हमने, ओके. तो हम पढ़ चुके थे इन सभी बातों को, हमने देखी. ये है, आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट कलर्स की लीव हैं, इनका डिफरेंट मार्जिन है, डिफरेंट साइज़ है. तो ये सभी प्रकार की आपकी लीव्स हैं जिनका अलग अलग क्या होता है, मार्जिन होता है, कलर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, ओके. अब आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, दीदी ने उन सभी के लिए एक प्लांट्स पर पोएम थी, उसको रीड किया था. तो उस पोएम के बारे में हम पढ़ेंगे. और इस पोएम में आप देखेंगे, आप देख रहे हैं अलग अलग कलर हैं, लीव्स दी गई हैं, इनमें हमें कलर फिल करना, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कलर फिल करना है, ओके. तो लीव्स के ऊपर ये पोएम है, मैं रीड करूँगा और इसको हम समझेंगे, ओके. तो रेड पर्पल एंड इवन येलो. तो आपकी जो लीव हैं वो रेड भी होती हैं, पर्पल होती हैं, ग्रीन तो होती हैं ओब्वियसली, येलो कलर की भी होती हैं. सम ग्रीन बैट एंड लूज. कुछ आपकी ऐसी भी होती हैं जिनमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, छूने पर ऐसा लगता है जैसे वो गीली हों. और कुछ बहुत मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, कुछ हार्ड होती हैं, ओके. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड. अलग अलग प्रकार की होती हैं, हम पढ़ चुके हैं. एंड डिफरेंट शेप एंड सीड्स. तो अलग शेप की होती हैं, सीड्स की होती हैं. ये सारे हम चीज़ें मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ. सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स. कुछ एलिफेंट के कानों जैसी बड़ी होती हैं. तो एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल. कुछ बहुत छोटी होती हैं जिनसे हम खेल भी सकते हैं. एंड सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड. कुछ आपकी सुकड़ी हुई होती हैं तो कुछ मुड़ी हुई होती हैं आपकी, ठीक है. कुछ आपकी नुकीली होती हैं, ओके. एंड सम आर ईटन लाइक द बीटल, ओके. तो कुछ प्लांट लीव्स हैं उन जिसको हम खा सकते हैं, जैसे अरबी प्लांट्स की लीव्स हैं हम उसको खा सकते हैं. आपकी पालक हुआ, स्पाइनक है, उसकी लीव्स को हम खा लेते हैं, ओके. तो हम खा सकते हैं. एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट हुई यू विल फाइंड द फ्लावर क्राई टीयर लाइक ड्यू. तो आपके जो ह्यू हैं डार्केस्ट, यानी जब बहुत ज़्यादा वो रहता है आपका डार्क, यानी अंधेरा होता है, तो यू विल फाइंड द फ्लावर क्राई टीयर लाइक ड्यू. जैसे हमारे आंसू बहते हैं वैसे ही आपके जो फ्लावर्स होते हैं, जब सूरज निकलने वाला होता है तब उस टाइम पे, तो वो आपके जो फ्लावर है वो क्राई करते हैं लाइक ड्यू. सम आर लाइक बटरफ्लाई, सम आर लाइक बीस. कुछ तितलियों की तरह कलरफुल होती हैं तो कुछ बीस की तरह छोटी होती हैं और स्मॉल आपकी मिस लहराती हुई होती हैं, ओके.
सम आर हेयरी एंड सम आर प्लेन, कुछ में आपके रुए निकले होते हैं और कुछ में आपके क्या होते हैं, आपके प्लेन होती हैं, बहुत ही स्मूथ होती हैं, चिकनी होती हैं, स्लिपरी होती हैं, आप हाथ रखोगे स्लिप हो जाएगा आपका, इस तरीके की लीव्स होती हैं। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, और कुछ तो जब ड्राई हो जाती हैं तो इस तरीके से हो जाते हैं जैसे वो कांटे जैसे हो, मीन्स कांटे हों आपके थॉर्न्स, थॉर्न मीन्स होता है कांटे, तो वो कुछ आपके कांटे की तरह हो जाती हैं। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेंस, ओके, और सब आपकी जो क्रेंस यानी सारस होता है तो उसकी तरह भी हो जाती हैं, ओके, लंबी सी। हाँ, हुज बूज स्कटल एंड फ्लटर इन द बीज दे ऑल डू मटर, मीन्स जब हवा चलती है तो सभी के सभी पत्तियाँ आपस में लहराती हैं, आपकी जो सूखी पत्तियाँ ड्राई लीव्स होती हैं उनकी आवाज़ें आती हैं, ओके, इन द एंड ऑल द डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, और हमेशा दिन भर यही उनका काम रहता है, वो खेलती रहती हैं, ओके, प्ले करती रहती हैं, स्माइल करती रहती हैं, ओके, एंड इन द लाइट दे स्लीप अवे, और जैसे ही नाइट होती है और वो सो जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड डिफरेंट शेड्स एंड हुईज, तो अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग कलर होता है, अलग स्ट्रक्चर होता है उनका, सब कुछ अलग अलग होता है, ओके। टू डिफरेंट प्लांट की लीव्स सेम नहीं हो सकती, मैंगो प्लांट की लीव अलग है, आपकी बनाना लीव्स अलग है, आपने देखा होंगे बनाना लीव्स इतनी बड़ी होती हैं कि उन पर चार लोग बैठ के खाना खा लें, ओके, साउथ इंडिया में तो आपका बनाना लीव्स है उसी पे खाना खाया जाता है, ओके। तो ये जो पोएम है ट्रांसलेटेड हुई है हिंदी से, इसको बिजेंद्र पाल सिसोदिया ने ट्रांसलेट किया है, ओके। तो ये पोएम थी, इसमें आपको कलर करना है आपकी चॉइस के, आपको कलर फिल करना है और अच्छे तरीके से आपको कलर फिल करना है, ओके। नाउ कम टू द पेज नंबर 14, कलर द लीव मेड अराउंड द पोइम, जो आसपास बनी हुई हैं उन लीव्स को आपको कलर करना है, ओके। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बसील, तुलसी जिसको हम कहते हैं, मिंट, पुदीना एंड कोरिएंडर, धनिया, इन सभी की आपको पत्तियां कलर कर, क्रश द लीव्स एंड स्मेल दम, तो हर पत्ती की स्मेल अलग अलग होती है, उसको आपको क्रश यानी आपको, आप जब उनको थोड़ा सा बांटेंगे या दबाएंगे, उसको प्रेस करेंगे तो आप उसकी स्मेल आपको मिलेगी, जो कि स्मेल क्या होती है, अलग होती है। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, सभी की लाइक स्मेल नहीं होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव जस्ट बाय देयर स्मेल, हम इजीली लीव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर स्मेल, ओके। तो स्मेल से हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप जो कोरिएंडर लीव्स हैं उसके अलग स्मेल है, जो आपकी मिंट लीव्स हैं उसकी अलग स्मेल है, आपकी बसील तुलसी है उसके अलग लीव्स हैं, तो इस तरीके से आप इजीली उस लीव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, हम उसकी खुशबू से पहचान जाते हैं, जैसे हम खाना को खुशबू से, समोसे की अलग है आपके, आपकी जो बर्फी है उसकी अलग है, जलेबी अलग है आपके, आपके फूड की अलग अलग स्मेल होती है, हम उसको उससे पहचान लेते हैं, ऐसे ही हम आपकी जो लीव्स है उसको भी हम आसानी से उससे पहचान सकते हैं उनके कलर से, ओके, सॉरी स्मेल से, ठीक है। लुक एट दीज ब्यूटिफुल पिक्चर, दे आर मेड अप ऑफ ड्राई लीव्स, अब देखिए ये जो आप देखेंगे पिक्चर है आपकी, देखिए अलग अलग लीव्स का यूज़ करके इनको बनाया गया है, आप भी इन ड्राई लीव्स का यूज़ करके इनको बना सकते हैं। देखिए ये पहली पिक्चर है एलिफेंट की है, ओके, ये आपको एक और पिक्चर है, ये चूहे की है, ठीक है, ये आपका बर्ड्स की पिक्चर बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग ड्राई लीव्स का यूज़ करके हम इनको बना सकते हैं, आप भी अपने कोशिश करिए बनाने की, आप भी बना सकते हैं इजीली इसको बना सकते हैं, ओके। तो आपको कलेक्ट करना है, ये आपकी एक्टिविटी है आपको करना है, और ऐसे ही आपको आपकी नोटबुक में एक
आपको ड्राई लीव्स का यूज़ करके उनको बनाना है और पेस्ट करना है, पेस्ट मतलब टैप से आपको चिपकाना है। ओके, तो इस तरीके से आपको बनाना है। नाउ कम टू द पेज नंबर 15। दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग प्रिंट ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक, ऑल यू हैव टू डू इज। देखिए प्रिंट यानी हम कैसे ले सकते हैं। देखिए मैंने बताया, हमने पढ़ा है जो अलग अलग लीव्स होती है इनमें अलग अलग मार्जिन होता है और उस मार्जिन को हम प्रिंट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी लीव्स लीजिए, क्या करना है आपको, पेपर के नीचे रखिए आप उसको, पेपर के नीचे रखकर आप जब उस पर पेंसिल या कलर, पेंसिल कलर चलाएंगे आप तो देखेंगे आपका जो लीफ का मार्जिन है वो उस पर क्या आ जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा वो। तो ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए एक दिया हुआ है आपको, ये एक्टिविटी है आपको अपनी नोटबुक में करनी है। जैसे टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल, आपको पेपर लेना है या क्रेयॉन कलर लेना है। ओके, प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड, उसको टेबल पर रखिए या आपको ग्राउंड पर रखिए, आपको रखना है। ओके, इट शुड बी प्लेस्ड इन द सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ बीन्स इज ऑन द टॉप। उसकी जो बीन्स यानी मार्जिन जो दिखती है हमें, हल्की आपकी लाइनिंग जो दिखती है वो ऊपर होनी चाहिए, जिससे वो इजीली उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। अब उस पर लीफ पर पेपर रखना हमें, जेंटली रब द क्रोयन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। आपने रख ली, फिर उसको कलर पेंसिल से या क्रोयन से उस पर आपको रब करना, आराम से करना, बहुत फास्ट नहीं करना है। ओके, क्योंकि हमें कहीं भागना नहीं है, आराम से उसको करना है। ओके, बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव, मीन्स हिले डुले नहीं, वो इजीली आपको स्मूथली उसको टाइटली आपको प्रेस करना है। ओके, और दबाना है उसको, फिर आराम से स्मूथ तरीके से उस पर रब करना है। तो आपको जो आप लीफ देख रहे हैं इसमें ये इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इन्होंने रेड कलर से किया हुआ है, आप दूसरे कलर से करते हैं तो आपको दूसरे कलर से मिलेगा। ठीक है, तो हमारी दो एक्टिविटीज़ हो गई। पहली हमें जो ड्राई लीव्स हैं उससे कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, किसी भी एनिमल्स का, वर्ड्स का। ओके, उसको ड्रॉ करना है। दूसरा हमारा ये एक्टिविटी हो गई कि इसको, ये एक्टिविटी कह लो या होमवर्क कह लो, यही आपका होमवर्क भी है। तो आपको ये दूसरी एक्टिविटी है, हमें किसी लीव्स को ड्रॉ करना विद द हेल्प ऑफ क्रायंस कलर और पेंसिल कलर। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम। सिमिलरली टेक द रबिंग ऑफ ट्रंक ऑफ ट्री, हम जो बार्क है, जो पेड़ की छाल है, उसका भी हम प्रिंट ले सकते हैं। आप उस पर पेपर रखिए और उस पर रब कीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में एक गर्ल है जो कि बार्क ऑफ ट्री पे पेपर रखा हुआ और वो क्रॉयंस उस पर रब कर रही है। तो आप देखिए आपका जो बार्क ऑफ ट्री है वो उस पर आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके के हम ट्रंक का, मीन्स आपका जो तना है, स्टेम है, उसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, अब प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रायन और कलर पेंसिल ऑन द इट, लुक यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। तो आप देखेंगे ट्री ट्रंक का आपको पूरा ड्रॉ हो जाएगा। नाउ लुक एट द रबिंग्स मेड बाय अदर्स, आर द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर, नहीं हो सकते क्योंकि सभी प्लांट का स्ट्रक्चर, ट्रंक शेप, साइज, टेस्ट, स्मेल सभी का अलग अलग होता है। ओके, विच लीव गेव अ गुड रबिंग, जिसमें ऐसी लीव्स से हमें अच्छा स्ट्रक्चर मिलता है, रब आता है, विड्रॉ होता है, जिसमें बीन्स जो मार्जिन है, लाइनिंग है, वो बहुत अच्छी हो, मीन्स थोड़ी सी वो उसमें कैसी हो, उठी हुई हो। ओके, तो उसका लाए उस टाइप की जो लीव्स हैं उनका इजीली हम देख सकते हैं। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट, भाई ऐसे जो प्लेन ट्रीज हैं जैसे यूकिलिप्टस है,
आपका जो यूकेलिप्टस है उसका जो ट्रंक है उसकी जो बार्क है बहुत ही स्लिपरी होती है, आपने देखा नहीं होगा, बहुत टॉल होता है, तो उसका जो ट्रंक है उसकी जो बार्क है वो बहुत ही स्लिपरी होती है। तो आप उसका इजीली उसका जो आप रब करके उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम इजी, आपके जितने भी आपके जो क्रीपर हैं, क्लिम्बर्स हैं, क्रीपर्स हैं, ओके, क्लिम्बर्स हैं, तो आपके जो क्लिम्बर्स हैं जैसे मनी प्लांट हैं तो उसका जो स्टेम होता है आप उसका नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसे ही आपके कुछ प्लांट हैं जिनको लेने में हमें क्या होती है, डिफ़िकल्टीज होती हैं। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 16। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम। तो आपका देखिए, आपका जो फ्लावर आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें एक तो लोटस है और आई थिंक ये लोटस ही की लीव्स हैं। ओके, अब दूसरा हम देखते हैं, आई थिंक ये मनी प्लांट है, जो आप पिलो हैं इन पर आपको मनी प्लांट का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, और आप जो जो बेड है, बेड शीट है, इस पर आपके जो अपर है, नीचे तो एलिफेंट बने हुए हैं, ऊपर जो है आपका जो मनी प्लांट की लीव्स हैं वो देखने को मिल रही होंगी। ये अलग आपका पान भी होता है, उसकी भी लीव्स ऐसी होती हैं, तो उसका हो सकता है। हाँ, अब मूव करते हैं और नीचे आते हैं, ये अलग डिज़ाइन बना हुआ है। ओके, तो ये पेज नंबर 15 हमारा हो गया। अब कम टू द 16। अब पेज नंबर 17 पर आते हैं हम। लुक फॉर द ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। अब ये तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में आपको जो भी हैं, जैसे आपका पिलो हुआ, बेड शीट हुआ, आपके साड़ीज हुई, कपड़े हुए, तो इन पर बहुत सारे फ्लावर प्रिंट आते हैं, लीव्स प्रिंट आते हैं, तो वो आपको देखना है और राइट डाउन करना है कि आपके कौन से स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं, कौन से लीव्स मिलती हैं आपको, कौन से फ्लावर मिलते हैं उन तरीक। यू मस्ट हैव मैनी प्लांट एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम्स। आप लिख सकते हैं मनी प्लांट, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, तुलसी, ओके, आपका पीपल, नीम, आपका नारियल, तो बहुत सारे आपके प्लांट्स हैं, ये आप लिख सकते हैं इजीली। आर देर एनी प्लांट, आर देर एनी प्लांट दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, विच वंस। ओके, आपने कुछ ऐसे प्लांट है जो देखे होंगे, जैसे नारियल का प्लांट आपको देखने को नहीं मिला होगा उधर, सुपारी हुआ, बीटल नट हुआ, ओके, आपका क्या कहते हैं, सैंडलवुड हुआ, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको आपने सुना होगा नाम, आपका ड्यूडार हुआ, रेडबर्ड हुआ, ओके, अशोका ट्री हुआ, आपका बेनियन ट्री हुआ, पीपल ट्री हुआ, तो इस तरीके के आपके बहुत सारे प्लांट हैं जिनको हमने सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा, ठीक है। आपका पिचर प्लांट हुआ, ठीक है, यूकेलिप्टस हुआ, बहुत सारे प्लांट हैं जिनको हम लिख सकते हैं। ओके, आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा, जब आपको नहीं आएगा तो मैं आपको, जब हम नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बुक को फिल करेंगे तब मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है। आस्क सम ओल्डर पीपल इफ देयर वर प्लांट विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दीज डेज। आपके अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इनसे आपको डिस्कस करना है, पूछना है कि उनके टाइम पे कौन सा प्लांट होता था लेकिन आज नहीं होता है। ओके, इस टाइप के आपको प्लांट उनसे डिस्कस करना है और पूछना है, ठीक है। ऑल्सो आस्क देम देर आर एनी प्लांट विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर। आपके पहले आज उनको देखने को मिलते हैं और पहले वो प्लांट नहीं होते थे, तो मैं जो समझता हूँ, आई थिंक जो 100 पीस प्लांट आते हैं, जो मतलब हम रखते हैं गमले में, घर में वगैरह, जो ऑफिस वगैरह, स्कूल्स वगैरह में होते हैं,
वो प्लांट उस टाइम पे उनको देखने को नहीं मिलते होंगे, लेकिन आज उनको वो देखने को मिलते हैं। तो वो सारे प्लांट उनको देखने का। अब फ्रेंडशिप विथ अ ट्री, हम ट्री से दोस्ती कैसे करें? तो देखिए, ट्री से दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है। आप जब हायर क्लासेस में आओगे तो एक चैप्टर है, आप पढ़ोगे इंग्लिश में, तो उसमें प्लांट से दोस्ती रहती है। हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो वो प्लांट जो ट्री होता है वो अपना अपना उसको दोस्त बना लेते हैं। जब उनको टाइम मिलता है तो उसी प्लांट पर वो जाते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, इस तरीके से वो उसी के साथ रहते हैं। चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विथ इट। तो आपको एक प्लांट या ट्री को आपको पसंद करना, जो भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक है? ओके और अ लास्टिंग फ्रेंडशिप। आपको कुछ क्वेश्चन है जो करने हैं आपको। व्हाट ट्री इज इट, वो किस प्रकार का पेड़ है? मीन्स उसका नेम क्या है? आस्क हम सम एल्डर्स इफ यू डोंट नो, आपको अगर पता नहीं है तो उस प्लांट के बारे में आपको पूछना है, ठीक है? जैसे आपने मैंगो ट्री ले लिया, उसके बारे में आपको पता है तो आप उसके बारे में नहीं पूछना, आपको आपको लिखना है कि इट इज़ अ मैंगो ट्री। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? उसको आप चाहें तो आप उसको जो आपको अच्छा नाम लगे उसको दे सकते हैं। जैसे आप उसको आप दे सकते हैं छोटू या पप्पू, आपको जो कॉमन नाम लगे, आपको जो भी अच्छा लगता हो वो नेम हम दे सकते हैं, ठीक है? जैसे डिग्गू, आप उसको डब्लू, बबलू, चुन्नू मुन्नू, इस टाइप के आप उसको नेम दे सकते हैं। व्हाट विल यू नेम इट, ओके आप क्या नेम दे सकते हैं उसको? अब आपका पेज नंबर 18 पर हम आते हैं। ओके डज द ट्री बियर फ्लावर और फ्रूट, विच वन? तो आपका जो मैंगो ट्री है, मैं आपको स्पेशली मैंगो ट्री के बारे में बता रहा हूँ, उसमें फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं, दोनों ही होते हैं उसमें। कुछ आपके जो प्लांट्स और ट्रीज हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं, कुछ आपके प्लांट्स हैं जिसमें फ्रूट्स और ट्रीज दोनों ही होते हैं। ओके हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक, उसके लीव्स कैसी दिखती हैं वो आपको आप लिख सकते हैं इसके बारे में, कि उसके जो लीव्स हैं ट्रेंगुलर होती हैं, सर्कुलर होती हैं, या लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वंस? आपके बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो उस ट्री पर रहते होंगे, जैसे लाइक क्रो हो गया, स्पेशली आपको क्रो देखने को मिल जाएगा, पिजन हो गया, वुड पिकर हो गया। ओके ऑल दिस आपके जो एनिमल्स हैं वो आपको मिल सकते हैं, नी आपके अंडरग्राउंड, उसके ग्राउंड के उसके आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, आपके काउज हुआ, बफेलोज हुई, तो ये सारे एनिमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फाउंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विथ अदर्स, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री, आपके उसके बारे में आपको और जानना है और आपको राइट करना है, उसके बारे में समझना है और फिर आपको लिखना है। ओके ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट, तो ये आपको आपको ये आपका खाली स्पेस होगा बुक में, आपको उसमें प्लांट जो भी आपका ट्री फ्रेंड है उसको आपको ड्रॉ करना है और उसके बारे में लिखना है, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, मीन्स हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, हमने प्लांट के बारे में जाना, लिखने को इसमें नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में आप कर सकते हैं, या आपको नहीं आते हैं तो मैं एक और लेक्चर ले लूँगा जिसमें उनको हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप कर लेते हैं तो हमें नेक्स्ट लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। ओके तो आप इजीली लिख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है, और आपके जनरल क्वेश्चन हैं आपको अगर नहीं आते हैं तो मुझे आप एक आपकी जो क्लास है
आप मुझे ग्रुप में मैसेज सेंड कर दीजिए, तो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में उनको कवर कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।